दोस्तों आजकल मार्केट में एक और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्ट। ठीक है, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रांड या बहुत सारे जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम समझते हैं वो एंजाइम्स जो कि हम खाते हैं और डाइजेस्ट होने के लिए होता है। वो उसमें क्या होता है कि वो जो न्यूट्रिएंट है, मैक्रोस माइक्रोस, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये वो एंजाइम्स होते हैं। इसके साथ साथ वो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस से दूध नहीं पचता है, तो हो सकता है कुछ एंजाइम्स, क्या एंजाइम्स की ज़रूरत है, वो किस कमी है। या फिर जो जो लोग जिम जाते हैं लेकिन वो सब कुछ खाते हैं फिर भी उनको उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ एंजाइम्स की कमी है। या फिर वो लोग जो रेगुलर बार बार बाउल मूवमेंट जा रहे हैं, मतलब खा रहे, पच नहीं रहा, जैसा खा रहे वैसा नीचे से जो है स्टूल वो निकल रहा है। ठीक, खा रहे जा रहे, खा रहे जा रहे, मतलब कुछ मतलब नहीं है क्योंकि वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा है, एंजाइम्स वर्क कर ही नहीं पा रहे। उन लोगों को भी काम आता है ये। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, और मेरे पास एक प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। उस प्रोडक्ट के थ्रू एंजाइम्स कितने तरीके होते होते तो बहुत सारे, बट कॉमनली बहुत जो ज़रूरत रहती है हमारी बॉडी को, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो दिस इज अभिषेक चौहान एंड वेलकम टू केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस। तो सबसे पहले यहाँ मेरे पास एक, जाहिर सी बात है, एंजाइम्स ब्रांड आ चुके, एंजाइम डाइजेस्टर एंजाइम्स मार्केट में मिलता है। तो मैं, ये मेरे पास है अल्ट्रा एंजाइम प्लस है जेनिथ का। इसको मैंने इसलिए मंगाया है अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट में भी मिलता है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स है वो 12 से 15 तरीके के एंजाइम्स हैं और सबके अलग अलग फंक्शन हैं। मैं यह ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास या मेडिकल स्टोर पर भी मिलता है कोई सा दूसरा ब्रांड तो आप ले सकते हो, डॉक्टर रिकमेंडेड करता है तो भी आप ले सकते हो। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जो इंग्रीडियंट है वो मुझे अच्छे लगे। अगर आपको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, पहले मैं बता दूँ उसको लेने से पहले, क्योंकि ब्रांड से हमको मतलब तो है नहीं, हमें खाना है और वो वर्क करना चाहिए नहीं। तो सबसे पहले बात करता हूँ उसके इंग्रीडियंट की। इंग्रीडियंट के साथ साथ मैं आपको इसमें बता भी दूंगा कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट का फंक्शन क्या है, मतलब इसके अंदर जो एंजाइम्स है उसके फंक्शन क्या है। देखिए, हम इसमें तो एमेलाइज, ठीक है, एमेलाइज क्या होता है, एमेलाइज एक तरह का एंजाइम्स होता है जो कि स्टार्च जो रहता है, शुगर, उसको ब्रेक डाउन करता है। देखिए, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये साइंस की क्लास है नहीं है कि एंजाइम्स ऐसा रहता है, कैटेलाइज रहता है जो कि हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को शुगर में, और जो कि सलाइवा में पाया जाता है, ये इसकी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है, ये कोई साइंस की क्लास नहीं है, तो मैं आपको डीप में नहीं समझाऊंगा। सिंपली ये हर किसी को समझ में आना चाहिए, ऐसा एंजाइम्स है जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलाइज करता है, कहने का मतलब है जो जिससे हमको एनर्जी मिलती है, तो ये एमेलाइज का काम रहता है। सेकेंड इसमें है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि है प्रोटीज एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम, ठीक है, नाम से पता चलता है प्रोटीज एंजाइम जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड में, जो कि मसल ग्रोथ के लिए काम आता है। थर्ड जो इसमें है वो भी इंपॉर्टेंट है जो कि है ग्लूकोमाइज एंजाइम्स। अब यह सोच रहे हैं ग्लूकोमाइज, तो ये सिंपल सी बात है, ग्लूकोज जो रहता है जो कि हम कॉम्प्लेक्स शुगर खाते हैं, ठीक है, उसकी जो ब्रेक, उसको ब्रेक डाउन करता है स्टार्च में, सिंपल शुगर में, मेल्टोस में, और भी कई कई, मतलब कहने का मतलब ये कि जो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज रिलेटेड जो कि शक्कर टाइप जो चीज़ें होती है, शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उन सबको ये ब्रेक डाउन करने में काम आता है। उसके बाद आता है लैक्टोज, जो कि बहुत ज़रूरी एंजाइम्स है, कई लोगों में, मैक्सिमम लोगों में ये प्रॉब्लम है लैक्टोज की, ठीक है। लैक्टोज आपने सुना होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब कुछ लोगों को दूध नहीं पचता, दूध से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है वो पचता नहीं है, उल्टे हो जाती है या हो जाता है, क्योंकि उनमें लैक्टोज के एंजाइम की कमी होती है। लैक्टोज एंजाइम क्या करता है, स्प्लिट कर देता है ग्लूकोज और लैक्टोज में, ठीक है, प्रोड्यूस करता है स्प्लिट करके। उसके बाद जो रहता है वो है भी कॉमन है सेल्युलोज एंजाइम्स, जो कि बहुत सारे कमर्शियल कॉफ़ी प्रोडक्ट में पाया जाता है। सेल्युलोज का काम भी बहुत सिंपल है, मैं ये बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, कहने का मतलब है ये भी, ये मान के चलिए कि सेल्युलोज ब्रेक डाउन करता है सेल्युलोज मॉलिकल्स को, और उसको सिंपल शुगर में से जो सेल्युलोज मॉलिकल्स रहते हैं उनको भी शुगर, कहने का मतलब ये एक तरह का है, क्योंकि शुगर बहुत टाइप की होती है, ठीक है, और हर टाइप को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो भी एक तरह का एंजाइम्स है जो कि काम आता है उसमें शुगर के लिए। उसके बाद आता है लाइपीज़,
ठीक है। लाइपेज क्या होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है डाइट्री फैट को, जितने भी फैट होता है उसको कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड में। उसके बाद आता है ब्रोमलिन, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ब्रोमलिन, जो कि पाइनएप्पल जूस में पाया जाता है। इसके बहुत सारे फंक्शन रहते हैं, ठीक है, ये डाइजेस्टिव के लिए तो काम आता है, साथ में जिनको साइनस की प्रॉब्लम है या फिर स्वेलिंग हो जाती है हर जगह बॉडी में, कहीं भी सर्जरी के बाद इंजरी हो जाती है, तो उसको क्योर करने के लिए ये एंजाइम भी काम आता है। कई सारे एंजाइम जो सबके अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि जाइलेनेस, ठीक है, ये फंक्शन, ये मैं आपको इतना ज़्यादा, जो कि ब्रेक डाउन करता है ये हेमीसेलुलोज का, हेमीसेलुलोज क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये भी एक तरह का एंजाइम है जो कि शुगर को एंजाइम्स करने में, शुगर को डाइजेस्ट करने में काम आता है। उसके बाद आता है ब्रोमलिन के जाइलेनेस हो गया, उसके बाद आता है माल्ट डिएसेस, ठीक है, माल्ट डिएसेस क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है ये स्टार्च को, स्टार्ची फूड जो रहते हैं, स्टार्च देखिए एमिलेज तो करता है और जाइलेनेस रहता है ये भी स्टार्च करता है, लेकिन अलग अलग तरीके के होते हैं, स्टार्च को माल्टोज में ये ब्रेक डाउन करता है। और उसके बाद आता है इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज क्या करता है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, स्प्लिट करता है सुक्रोज में, कॉमन टेबल शुगर होती ना उसमें, और उसके बाद जो जाहिर सी बात है जो ग्लूकोज में हो गया, उसके बाद हमको एनर्जी मिलती है, तो हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो कार्बोहाइड्रेट को इन्वर्टेज जो रहता है ये एंजाइम करता है। उसके बाद आता है इसके अंदर जो इसमें जो एंजाइम मिल हुआ है हेमीसेलुलोज, ठीक है, हेमीसेलुलोज जो कि मैंने बताया था आपको, बताया था कि जो कि जाइलेनेस क्या करता है, हेमीसेलुलोज को ब्रेक डाउन करता है। और हेमीसेलुलोज क्या होता है, एक तरह का कलेक्टिव एंजाइम्स होता है जो कि प्लांट टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है, और ये भी ब्रेक डाउन करता है यीस्ट वाली जो चीज़ें होती है आप खाते हैं, पेक्टिनाइज एंजाइम्स क्या होता है, जो कि पेक्टिन रहता है उसको ब्रेक डाउन होता है। पेक्टिन क्या होता है, एक तरह का जो कि आप कह सकते हैं स्टफ होता है, जो कि प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। जब भी आप ग्रीन प्लांट खाते हैं, मतलब आप वेजिटेबल खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये वाला बहुत एंजाइम ज़रूरी है, ठीक है, जो कि पेक्टिन को करता है, जो कि मैंने बताया। अब इसके बाद एंडो एंजाइम्स आते हैं, ग्लाइकोसोटाइड आते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि ग्लूकोसोलाइड भी देखे, गैलेक्टोसाइड्स देखे, तो इसके भी दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइड, अल्फा गैलेक्टोसाइड, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उनको करते हैं। अलग अलग तरीके के एंजाइम्स है, अलग अलग तरीके के, क्योंकि हम एक चीज़ खाते तो हमको हज़ारों चीज़ें मिलती हैं और हज़ारों चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए हज़ारों एंजाइम्स रहते हैं। तो यही है 12-15 एंजाइम्स है जो कि बहुत काम के हैं। एक आखिरी है एंजाइम्स, वो है पपिन, ठीक है, पपिन आपने सुना होगा, जो कि पपाया में होता है, ये भी डाइजेस्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ साथ कई सारे इसके अदक भर के इसकी स्किन को हेल्दी करना और उसके बाद मॉइस्चराइज करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये वाली जो पपिन काम आती है। तो 12-15 तरह के इसके अंदर एंजाइम्स है, जिसके फंक्शन मैंने बता दिए, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, हम ये साइंस की क्लास है नहीं कि अल्फ़ा बीटा गामा हम देखे उसको कि कैटेलाइज ये वाला कैटेलाइज वो हाइड्रोलाइज करता है उस चीज़ को, ये आपको समझ में नहीं आएगा और मुझे भी इतना समझ में आता नहीं, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हूँ, मेनली जो फंक्शन है उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आप जितने भी अलग अलग एंजाइम्स के मैंने नाम बताए, इनके स्पेसिफिक पर्टिकुलर सप्लीमेंट आते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सप्लीमेंट को ना ले, ठीक है, आप सुन रहे हैं ना, इसको ना ले तब तक ना ले जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रोसेंट्रोनिस की प्रॉब्लम हो तो आप ले सकते हैं, अगर आपको लेना हो तो। उसके साथ साथ अगर आप जिम जा रहे हैं और आप जिम जा रहे हैं आप बहुत सारी चीज़ खाते हो, मैक्रोज माइक्रोज सब खाते हो, तो वो पचता नहीं है, तो उसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो आप इसको ले सकते हो। तो ये अल्ट्रा एंजाइम प्रोडक्ट जेनिथ का है, करीबन ये थोड़ा कॉस्टली आता है, लेकिन आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से देखेंगे, मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दी, अगर वहाँ के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर आप किसको खरीदना चाहते हैं, मैं कोई लोड नहीं दे रहा हूँ आपके ऊपर, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से खरीद सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करें, अगर आपको प्रॉब्लम हो, ज़रूरत हो, तभी ले। उसके साथ साथ कॉशन ये है कि अगर आपको कोई मेडिटेशन चल रही है, कोई दवाई चल रही है, कोई डिसीज है सीरियस, तो इसको ना ले। जो वुमेन है जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, बच्चों को दूध पिला रही है, या फिर दूसरी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप इसको ना ले। इसमें कोई शुगर नहीं है, इसमें कोई ग्लूटेन नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, कुछ भी नहीं, 100% नेचुरल है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो ये किसी को इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट तभी होते हैं जब आपको दूसरी कुछ चीज़ें चल रही है और उससे इंटैक्ट करें, ठीक है।
तो कहने का मतलब है मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप कॉशन के साथ इसको ले। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप आपके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो डाइजेस्टिव एंजाइम वो खुद लिखते हैं अगर जब टेस्ट करते हैं और आपको लगता है कि प्रॉब्लम आती है तो। जैसे कि अगर आप जा रहे डॉक्टर के पास कि मैं खाना खाता हूँ, पछता नहीं है, बार बार जाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है ऐसी कुछ टैबलेट्स लिखता है जो कि एंजाइम्स उसमें पाए जाते हैं और वो आपको फिर कंटिन्यूटी करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, एक सेकंड नहीं लगेगा। जिनको ज़रूरत है जानने की क्यूरियस से हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड, उनको शेयर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।